हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ जोजो रैबिट फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, पैरासाइट फिल्म की तरह जोजो रैबिट फिल्म को भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लेट रिलीज किया गया है। बट जो भी हो, फिल्म एक्चुअल में इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, जो कि मुझे लगता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, क्योंकि इस टाइप की फिल्मों को अगर हिंदी में रिलीज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो लोग टाइका वाटिटी और फिल्मों के अच्छे मैसेज से प्यार करते हैं तो उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए एक अच्छा खासा मैसेज मिलता, जो मैसेज खास करके हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। तो अगर फिल्म के प्लॉट की छोटी सी डिटेल्स की बात करें तो फिल्म की कहानी फोकस करती है जोजो के कैरेक्टर पर, जहां पर जोजो और बाकी दूसरे बच्चों को नाजी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है ताकि उसके जैसे बाकी दूसरे बच्चे और उसे ट्रेनिंग देकर एक अच्छा नाजी बनाया जा सके। यानी आगे चलकर जोजो जैसे बाकी सभी बच्चों को हिटलर के लिए सर्व करना है और उनके देश के लिए। और इसी बीच हमें बताया जाता है कि जोजो का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है जिसका नाम है एडॉल्फ। अब ऑब्वियसली ये कैरेक्टर एडॉल्फ हिटलर ही है, लेकिन फिल्म की कहानी को एक फिक्शन के तौर पर क्रिएट किया गया है कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जब सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी थी तो बच्चों को किस तरीके से ब्रेन वॉश कर एक अलग ही ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो लोग ज्यूइश और बाकी दूसरे लोगों से नफरत कर सके, वो भी बिना किसी रीजन के। और इस कैंप में बच्चों को सिर्फ नाजी से रिलेटेड ही डिटेल्स दी जाती थी, ना कि हिस्ट्री की डिटेल, क्योंकि बुक्स यहाँ पर इन बच्चों को जलाने के लिए दी जाती थी। और इसके अलावा इन बच्चों को हिटलर से रिलेटेड अच्छी बातें ही सिखाई जाती थी कि हिटलर कितने ज्यादा ग्रेट है उनकी कंट्री के लिए और वो क्या करना चाहते हैं पूरी की पूरी दुनिया में। लेकिन जोजो की दुनिया तब बदलती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम रोज ने घर में एलिजा नाम की लड़की को छुपा रखा है जो कि एक ज्यूइश है। और अब उसके बाद क्या होगा, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जो कि एक मस्ट वॉच है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हिस्ट्री के इस घिनौने सच को फिल्म में काफी खूबसूरती के साथ में हमें दिखाया गया है, वो भी एक फनी अंदाज में, क्योंकि इस टाइप की फिल्में ज्यादातर तो सीरियस टॉपिक ही पकड़ कर चलती है। लेकिन टाइका वाटिटी का तड़का लग जाने के बाद फिल्म पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन फिल्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, खास करके बच्चों को लेकर, जिसमें मेरे हिसाब से तो ये फिल्म पूरी तरीके से पास होती है। और इसके अलावा फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो जी हाँ, फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अब फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में काफी नोन एक्टर्स लिए गए हैं, जैसे कि स्कारलेट जॉनसन जो इस फिल्म में रोजी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, उसके बाद सैमुअल रॉक जिनकी परफॉर्मेंस फिल्म में काफी ज्यादा डिसेंट है, इतना कि आप उनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज से रहते हो कि अगर वो अपनी पोस्ट में इतने ही ज्यादा हाई है तो फिर वो इन बच्चों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। इसके अलावा स्टीफन मर्चेंट, रिवेल विल्सन और एल्फी एलन जैसे टैलेंटेड एक्टर भी हमें फिल्म में नजर आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है एल्फी एलन को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है, क्योंकि उनका काम स्क्रीन प्रेजेंट स्क्रीन पर ना के बराबर ही था। और अब टाइका वाटिटी की बात करें तो टाइका वाटिटी इस फिल्म में एडॉल्फ के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी एडॉल्फ हिटलर, जो कि जोजो का इमेजिनरी फ्रेंड है। बट ये हिटलर रियल लाइफ के हिटलर से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ये इमेजिनेशन एक्चुअल में जोजो की है कि जोजो अपने इमेजिन में हिटलर को किस तरीके से देखना चाहता है, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है कि बच्चों का दिमाग बचपन में कितना ज्यादा क्लीन होता है। अगर आप उनके दिमाग में ही बचपन से गंदगी भरना शुरू कर दोगे, जैसे कि दूसरे धर्म और बाकी दूसरों के खिलाफ, तो बच्चे वैसा ही सीखकर आगे भी अपनी पीढ़ी को वही सिखाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि बच्चों को बचपन से ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए और उन्हें बचपन में अच्छी ही चीजें सिखाओ ताकि बड़े होने के बाद वो एक बेहतर इंसान बने, जो कि जोजो भी अपने नजरिए से देखता है, क्योंकि जिस दुनिया को वो अपनी इमेजिन में सोचता है ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। और अब जोजो की ही बात करते हुए, जोजो का रोल प्ले कर रहे एक्टर टैलेंटेड एक्टर रोमन ग्रिफिन की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में लाजवाब है, इतनी ज्यादा बेस्ट कि फिल्म में बड़ी बड़ी कास्टिंग होने के बावजूद भी आपको फिल्म एंड हो जाने के बाद जोजो ही याद रह जाता है। और हाँ, जोजो के बेस्ट फ्रेंड पोर्की के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है, जो कि एक सरप्राइज पैकेज है। और सच में ये दोनों ही टैलेंटेड बच्चे हमें फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। खैर, तो अब बात करें फिल्म की रेटिंग्स के बारे में, जिनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्शन की, जो फिल्म में है बट ज्यादा नहीं, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 2 स्टार। और बात करें फिल्म की कॉमेडी की, जैसे कि मैंने कहा, सीरियस टॉपिक पर बनी हुई एक फिल्म जिसे सीरियस बिल्कुल भी नहीं रखा गया और फिल्म को पूरा फनी बनाकर हमें एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसके चलते कॉमेडी को मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार। और बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो ड्रामा को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि फिल्म का प्लॉट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और अब बात करें हॉरर की, जी हाँ, फिल्म में काफी माइनस और हॉरर सीन हमें दिखाया गया है, यानी थ्रिल, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से आधे स्टार की होगी। और बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार, क्योंकि फिल्म का सस्पेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसके बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म मासस ऑडियंस को पसंद आएगी, जिसके चलते उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग C- की होगी। और बात करें क्रिटिक्स की, तो फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है
सभी के सभी क्रिटिक्स की तरफ से, तो उनकी नजर में ये रेटिंग होगी A- की। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को दूंगा A। और जाते जाते मैं यही कहूंगा आपसे, इस फिल्म को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल, तो अब आपकी क्या राय है फिल्म जोजो रैबिट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको फिल्म जोजो रैबिट कितनी ज्यादा पसंद आई। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।